नमस्कार, सीन आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। हमारे संवाददाता रंजीत कुमार ने बताया कि मोदी हरी जिला के रक्सौर प्रखंड संसाधन केंद्र में निजी व सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। प्रखंड समन्वय छोटे लाल राय ने बताया कि शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए 2 वर्षीय प्रशिक्षण शुरू किया गया है, जो प्रत्येक शनिवार व रविवार को दिया जाएगा। हमारे संवाददाता रंजीत कुमार ने बताया कि सुगोली पुलिस ने एक अभियान चलाकर थाना क्षेत्र विभिन्न चुलाई शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। थाना अध्यक्ष सुनील कुमार को गुप्त सूचना मिली कि बूढ़ी गंडक नदी के तटवर्ती क्षेत्रों एवं गन्ने के खेतों में अवैध रूप से चुलाई की शराब बनाई जा रही है। हमारे संवाददाता कौशल मिश्र के मुताबिक भोजपुर जिला की शाहपुर में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे स्वर्गीय विशेश्वर ओझा की द्वितीय पुण्यतिथि पर सह श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय परिवार कल्याण स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, विधान पार्षद राधा चरण सेठ, महिला आयोग के प्रदेश अध्यक्ष दिलमणि देवी, बक्सर विधायक संजय तिवारी सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। वही विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता साध्वी सरस्वती ने उनकी हत्या की CBI जांच करने की मांग की और उनके नाम पर गौशाला खोलने की भी मांग की गई। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के करणनगर स्थित CRPF कैंप के पास मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार CRPF कैंप के नजदीक स्थित इमारत में 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी, जिन्होंने आज कैंप में दोबारा हमले की कायराना कोशिश की। बता दें कि बिहार के आरा के रहने वाले CRPF कांस्टेबल मुजाहिद खान इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। आज अयोध्या से 41 दिन लंबी राम राज्य यात्रा निकाली गई। ये यात्रा विभिन्न प्रदेश से होकर गुजरने के बाद 25 मार्च को रामेश्वरम में समाप्त होगी। श्री रामदास मिशन यूनिवर्सल सोसाइटी की ओर से प्रस्तावित इस राम राज्य रथ यात्रा के 5 उद्देश्य है। यात्रा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद ने किया है। बाबरी मस्जिद को दूसरे स्थान पर बनाए जाने के बयान के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा मौलाना सलमान नदवी को बोर्ड से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर मौलाना नदवी अपना रुख बदलते हुए बोर्ड के निर्णय के साथ आ जाए तो उन्हें एक बार फिर सदस्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। देश भर में धूमधाम से मनाया गया शिवरात्रि का पर्व। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़ ने भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। भक्तों ने शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, भांग और धतूरा चढ़ाकर शिव की आराधना की। कई जगह भोले की गाजेबाजी के साथ बारात निकाली गई। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में LLB छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिस कार में आरोपी होटल आए थे, पुलिस ने वे फॉर्चूनर कार भी बरामद कर ली है। बताया जा रहा है कि ये कार रेलवे के ठेकेदार की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी कर दी है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने तुगलक की फरमान जारी करते हुए 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन छात्रों के परिसर में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। इतना ही नहीं, परिसर में घूमते हुए पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभिभावकों से भी छात्रों को विश्वविद्यालय न भेजने की अपील की है। विश्वविद्यालय के इस फरमान का छात्रों ने जमकर विरोध किया है। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें CHEC मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है sineaajkalindia@gmail.com। त्रिपुरा के एक गांव में कुछ मुस्लिम लोगों का आरोप है कि BJP को ज्वाइन करने के बाद उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया गया है। आरोप है कि उन्हें कहा गया कि वे अब हिंदूवादी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं तो उन्हें मस्जिद आने की जरूरत नहीं है, वे हिंदुओं के साथ जाएं। दिल्ली के ख्याला में अंकित की 13वीं पर शोक सभा में आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चले गए। शोक सभा से उठकर चले जाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़े होने लगे हैं। CM केजरीवाल पर आरोप है कि वे अंकित के पिता की तरफ से मुआवजा मांगे जाने के बाद सभा से उठकर चले गए थे। इस पर अंकित के पिता यशपाल सक्सेना ने कहा है कि केजरीवाल उनके साथ गेम ना खेले। उन्नाव से BJP सांसद साक्षी महाराज ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बर्खास्त मौलाना सलमान नदवी के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि ये आतंकियों का संगठन है। साक्षी महाराज ने कहा कि मैं मौलाना नदवी का समर्थन करता हूं। नदवी ने सच कहा है कि बोर्ड में अलगाववादियों की बातें होती है।
फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते ने सेना के जवानों से कहा है कि महिला विद्रोहियों के गुप्तांगों में गोली मार दी जाए। 7 फरवरी को दुतर्ते ने हीरोज हॉल में पूर्व कम्युनिस्ट विद्रोहियों को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सैनिकों को बता दो कि वो महिलाओं को जान से नहीं मारे बल्कि उनके गुप्तांगों में गोली मार दो, बिना गुप्तांग के वे किसी काम की नहीं रहेंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहू वेनेसा ट्रंप को एक संदिग्ध पाउडर लगे लिफाफे को खोलने के बाद अस्पताल में ले जाया गया। खबरों के अनुसार वेनेसा को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। घटना के बाद संदिग्ध लिफाफे और उस पर लगे सफेद पदार्थ की जांच की जा रही है। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और एक्टर वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म सुई धागा का फर्स्ट लुक जारी हो गया है। वरुण ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया। उन्होंने फिल्म से जुड़ी एक फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया। अनुष्का और वरुण इस फिल्म में ग्रामीण लोगों के गेटअप में नजर आ रहे हैं। वहीं वरुण ने लिखा कि एक्सक्लूसिव मौजी और ममता से मिली है 28 सितम्बर को। भारत के बैंकों का 9000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाए बगैर ब्रिटेन भाग गए बड़े कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन की कोर्ट से बड़ा झटका लगा। एक अन्य मामले में उनकी किंगफिशर एयरलाइंस को ब्रिटेन में केस में हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि माल्या भगोड़ा बनकर ब्रिटेन में रह रहा है, जहां उसके प्रत्यार्पण के लिए ब्रिटेन की एक कोर्ट में मामला चल रहा है। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए CM इंडिया TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।